पति रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी सुंदर बात लिखी है महाराज, परवीसी नगर कीजे सब काजा और के हरदे राख कुशलपुर राजा। जन महाराज के गरल सुधा रिपु कर तमिताई, गरल के जहर और सुधा के अमृत ने अगर जोगुं जे जहर ही मिल गयो है तो बाबा हनुमान जी की कृपाऊं और भगवान राम जी की कृपाऊं के महाराज वो सुधा यानी कि अमृत रूप में बदल जाए। गरल सुधा रिपु कर तमिताई, रिपु के शत्रु ने शत्रु मित्रता हुए और अट हनुमान जी महाराज री हुई क्यों विभीषण जी महाराज। गरल सुधा रिपु कर तमिताई, अरे के गोपद सिंधु अनल शीतलाई। समुद्र है जगो महाराज गाय रे खुर समान लागन लाग जावे। हनुमान दिन पाछा आऊं की टेमन लागियो महाराज लिखियो पिता राम जी कर गऊ खोद जूं समुद्र उड़ांगियो वो सो योजन पानी परवान। अनल शीतलाई, अनल है अग्नि रूप प्रियाय वाची। हनुमान जी इतनी लंका ने जड़ाई फेरियां दे करके बीड़ी पियो दी तनी महाराज चाल नहीं भेज कर लो कपड़ा ने तो इतनी लंका ने जो जड़ाई पर हनुमान जी री कठी खरौची नहीं आई महाराज। आवार आ बात आ बाबे जो भी पूछ चले दिखे पर आली हमज में कौन आओ लीला पा हेन करी महाराज आ बाबे ही कोई पूर्ण कृपा है महाराज हैं आ विद्या हमज में कौन आओ महाराज कोई आंकन तंत्र मंत्र विद्या कौन महाराज बेके अधिकाल नगनी बांध ली महाराज ऐसी बात की है कोनी। हाँ बाबे पूछ चले दी कृपा है महाराज क्योंकि ई वाली पढ़ाई रिमा पास हो जाए नी तन बस महाराज मौज महाराज री है। अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करियो है। हनुमत लंका में प्रवेश करके के धीरे धीरे चल आया और अजब मेल देखा रावण का के वो उसी मेल में चल आया। 20 भुजा और 10 मस्तक था वो रावण बलि सूता पाया। अरे के सीता जी को ना देखी वा कुंभकर्ण की थी माया। बोड़ो जो और लूटो कुंभकर्ण है जो रावण छोटो भाई हो और महाराज छह महीना नींद ले तो छह महीना एक दिन उठ तो ओ भी नहीं जगो
ब्रह्मा जी रो वरदान हो। अरे हाँ एकल पण महाराज वे दोरा हमा कोई देखियो जी उनमें महाराज है होता ही रे होता महाराज। जन महाराज के हनुमान जी ने फिर लंका ने देखी पण हनुमान जी ने कटी सीता जी रो पतो लाइयो कौन। तो हनुमान जी लंका किनारे आया है तो बट हनुमान जी काई देखे हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी महाराज री कुटिया नजर आई है। हनुमान जी ने कहीं पतो लागियो भैया भगत री कुटिया है क्योंकि महाराज भगत रा बठे हनुमान जी जगह सेना ने देखा। गोस्वामी जी लिखियो है रामायुदी अंकित ग्रह रामायुध अंकित ग्रह और सोवा वरणी न जाई नव तुलसी का वृंदत तो देखी अरस कपिराई। रामायुध अंकित ग्रह आयुध के धनुष ने हनुमान जी महाराज विभीषण रे घर रे दीवार माथे धनुष बाण रा चिन्ह देखिया और श्री राम जय राम लिखोड़ो देखियो और महाराज तुलसी रा पौधा देखिया। हनुमान जी ने विश्वास योगी अठ कोई न कोई भगत है महाराज। रामा युद्ध अंकित ग्रह सोवा वर्णी ने जाई अरे नव तुलसी का वृंदत है और देख अरस कपिराई। हनुमान जी हर्षित है अठ भगत है पर हनुमान जी महाराज देखियो विचार कियो भी भगत हो तो नींद में होतो है इन्हें जगाना दन पाप लागी। हनुमान जी महाराज जिते विभीषण जी महाराज जागिया जिते हनुमान जी महाराज विभीषण रे जागने रो इंतजार करियो अरे बट विभीषण जी महाराज की कुटिया बाहर ले पासी बैठ गया क्यों खाली समय मिल गयो बाबिर कन अरे जीते महाराज श्री राम जय राम जय जय राम ई मंत्र तेरा अक्षर मंत्र है जगरु हनुमान जी बट उच्चारण चालू कर दियो। इयू करता करता बट अर्ध रात्रि रो टेम यू आधी रात रो और विभीषण जी महाराज जू ही आलस मोड़ करके जाइया अरबा हनुमान जी वाली आवाज विभीषण रे काना में पड़ी। विभीषण या ओगनायो बोले अरे अठ ओ भगवान राम जी सुमरण करनी आपने अलावा महाराज की नगरी में कौन आयो है। विभीषण जी महाराज आलस मोड़ करके जाइया है अरे महाराज कुटिया में बारे आया है अरे हनुमान जी विचार करियो भाई अब मौको है जे ओ पाछो हो गयो कोई लघु शंका कर तो ओ कांठा कितना महीना होवे वो एक तो छह महीना होवे भाई तो भी रोई है वजह बारू का रोई छोड़ो हो दूसरो थोड़ी है। हाँ तो आमने तो महाराज मामलो गड़बड़ हो जी तो हनुमान जी बड़े तुरंत है जगो ब्राह्मण डो रूप धारण करियो विपर्रो और विभीषण जी महाराज री कुटिया में प्रवेश करे है। बी टीम विभीषण जी महाराज दौड़ करके हनुमान जी के सामने आया है और हनुमान जी ने विभीषण जी महाराज पूछे वो समय तुलसीदास जी महाराज लिखे हुए अरे की तुम अरीदा सन में को एक ही तो मैं हरिदासन में को अरे मोरे अरे तू मेरा मुदी
करण पड़बा महाराज की सियापति रामचंद्र भगवान की आज तो कुंडो खतावड़ो पड़े महाराज। अरे आराव पड़े महाराज जन के है विभीषण जी महाराज के हनुमान जी ने के की तुम हरिदासन में कोई थे कोई भगवान राधास हो या कोई और हो थाने देखता ही मारे अर्दे रमा बड़ी बारी है जगी प्रीति हुई है कि तुम हरिदासन में कोई और के मोरे अर्दे प्रीत अति कोई। हनुमान जी बोलिया कौन जगू पहला विभीषण जी महाराज आप रह जगो भगवान भाई जी बड़े शब्दारो भाव बदली हुए और विभीषण जी महाराज ने बट आंख्या रमा प्रेम रा आंसू छलकन ला गया है और गोस्वामी जी लिखे है विभीषण जी हनुमान जी ने कह अरे की तुम राम दीन अनुरागी ए आए हो मोई करण बड़ी सियापति रामचंद्र भगवान की बारी रामदास जी रो मतलब के गले रमा एक तो रामदास जी रो एक राम निवास जी राव रो मतलब शब्द होनी जकेर मां महाराज एकदम बिल्कुल अनजान व्यक्ति ने जको गावणे मीठा पर जाऊं तो बान अर्थ आवणे जरूरत कोन रे होती इतो मतलब गले रो जको महाराज लिखा उठी जकी बड़ी सफाई हुई सफाई आ सरस्वती री कृपा होवे महाराज। अब हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज कह बोले हे महाराज की तुम राम दीन अनुरागी आये हो मोहि करण बड़ भागी या थे भगवान राम बुद्ध दीनो रमा थे करुणा करने वालो करुणा निदान है वे खुदो खुद थे हमारे घर आया हो आप रो परिचय दियो तो हनुमान जी बड़ा आप रो परिचय दियो। बोले विभीषण वानर कुल में मारो जन्म है और हनुमान मारो नाम है मैं अंजनी रो पुत्र हूं और भगवान राम जी रो पाई को एर माता जानकी रो पतो लगावन वास्ते आठे लंका माई और भगवान राम जी मन भेजियो। विभीषण जी महाराज ने सिमटियां तोड़न लाग गया विकाल नतन कोई सपनो तो नहीं आवे विचार करियो अपा हाथ जागता जन विभीषण जी महाराज हनुमान जी ने कह के हे प्रभु आप यूं करो मन भगवान राम जी मिलाओ। हनुमान जी के और भगवान राम जी रो तन हागी राख वो करू पर तन सीता जी रो पते रो ठा है कोनी ओ बता मन। जन विभीषण जी महाराज बड़े वेग जी
भेद जो बताए दीना के भेद लीना उसी साथ अरिबो माता का दर्श कीना हर्ष भया है गात। जन विभीषण जी महाराज हनुमान जी ने कह बोले महाराज अट एक रावण रो अशोक वाटिका नाम नाम रो बाग है एम थे जाओ सीता जी रो अशोक दरखत नीचे हिंडो मांडोड़ो है एर पांच सात राक्षसियां बार कर छोड़ूड़ी है बड़ जाओ थान ऑटोमेटिक पतो लाग जी। जन हनुमान जी विभीषण ने पूछो बोले तू ही कणी जावे बड़ सीता जी कने उधर नहीं महाराज तो तन काई पतो लागे के महाराज अठे जगो सीता जी दोरा है घोरा है। जन बोले महाराज जगी पांच सात राक्षसियां है बारे बीच में एक भारी पुत्री भी है कौन कह आवा विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज री पुत्री कुणी तीर्थटा हरेशा तीर्थटा जी की भगवान री भक्ति क्यों भगत री बेटी इर वास्ते महाराज बा सीता जी ने कदी त्रास कौन दे उनकी तो जगी बच्ची रात्रि बिरमा हनुमान जी रे और विभीषण रे बीच में सत्संग हुई है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे अरे लंका निशिचर निकर निवास हे लंका निशिचर निकर निवास ओ नियम कर रे सदन तुवास अरे सुनो पवन सुत ओ रेणी हमारी ए सुनो पवन सुत रेणी हमारी जिमी दस नहीं न बिचारी अरे अब मोए बारे भरोस अनुमंता आ बिनु हरि की कृपा मिले नहीं संता आ अब मोए बारे भरोस जय सिया राम जय जय सिया राम आ जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय हनुमान अरे बालाजी महाराज की बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब महाराज के हनुमान जी महाराज विभीषण ने पूछे लंका निश्चर निकर निवासा और इहां कहां कर सदन तू वासा हे महाराज थे आ राख सारे बीच में एक भगत आदमी और थारो है जो गोंदरवा किया हुआ है। जन विभीषण जी महाराज के बोले हनुमंत बहुत कठिन है किया के सुनो पवन सुत रेणी हमारी अर जिमी दस न नहीं महू जीभ बिचारी जिया आ दांतार बीच में जीभ है ज्यू आ राक्षसन बीच में मारो रेण है बाकी मैंने एक बात रो बड़ो बारी भरोसो ही है हनुमान जी के वो कहीं है के अब मोए भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता सजना राम जी री पूर्ण कृपा वे जन अपन आ भगवान री कथा सुनने रे वास्ते मिले आपने घर ग्वाड़ी रे मा कोई संत रो है जगो पदार्पण हो गए। जन बड़ा विभीषण जी मरा हनुमान जी वचन दियो बोले जा विभीषण एक महीने वाला दिन तन भगवान राम जी को मिला दऊं और तन ई लंका रो राजा बना दऊं। वचन देकर के हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका भाग में आया है और धीरे से अशोक दरखत रे पत्ता नमा छुप करके बैठे है बैठे हकीकत देखे और इन्हें रावण काई करे है के पांच सात राक्षसियां ने साथ में ली है और आपकी रानी मरोदरी ने साथ में लेकर के बड़ा सीता दी कन भाग में आवे है और बैठे काई हकीकत वेर कई बात बन जावे जगह अरे रावण से अभिमानी दाना चाल रात आदि आया अभिमानी दाना रावण से अभिमान
आया। आ मनोदरी सी रानी संग में लेकर रावण करवाया। अरे एक बार मेरी और दिलो को सुपल हो जग में काया। आज ने कनंदन केवन लागी है वचन गद भरमाया। को सुपल हो जग में काया। बाजनक नंदनी केवन लागी यह वचन गद भरमाया। आसुर रावण अज्ञानी रेवाणी काल शीश तेरे छाया। अरे एक दिन रोवे तेरी नार मनोतर बागर लूटे भिनवाया। अरे सोने की गद लंक सलीता कार समझ सूटा काया। इतना वचन सुना रावण ने काट खड़क मार गाया। आ मनोदरी ने खड़क पकड़ के रावण को जब समझाया। अरे जगत पिता श्री राम को जान आसिया राम की है माया। अरे एक मास की याद घाल कर रावण पिता आया। मन में भइए पीर आ उलट जा दरिया जिनसे भिड़ा भी दरता ना धीर। आ अशोका दरत जरा मेरी कर दे प्रतिपाल। अरे काया ने भसम मैं करूं ऊपर से दे अग्नि डाल। आ इतना वचन सुन बट अंगनी का ऊंचा लाल। ओ मन में होशियार वो लगाई नहीं वारे गोद में मुंदड़ा डारा है। गोद में मुंदड़ा डारा है देवली अनुरे मान बलवान भारतीय भरी का ए सारा है देवाबा अनुरे मान बलवान। भोले बालाजी महाराज की सियापति रामचंद्र भगवान की। अरे सजय हो गया। अब महाराज कहे रावण से अभिमानी दाना। क्यों रावण अहंकार रे माया जगो राम जी चूर है। रावण से अभिमानी दाना के चाल रात आदि आया। अरे बा मनोदरी सी रानी संग में वो लेकर रावण गरवाया। एक बार मेरी और बिलो को सुपर हो जग में काया। सीता जी ने रावण कह तू एक बार मार सामने देख बिलो को कह जाकने ने। सीता जी कह बोले दुष्ट हूं थार काई सामने देखूं। अगर आवाज दे हूं थार सामने देखूं तू आठी बल जल करके और वशम हुजी। अर भगवान राम जी वे प्लान बनाया वे सारा है जगह दरिया रे जी महाराज। सीता जी आप रे और रावण रे दरमियान भगवान भाई जी कुसारे तृण हुए जो की ओट कुसारे तृण री ओट हुए जो कुमारा बात करी। इरा मुख्य महापुरुषा तीन है जगो प्रसंग दिया है तीन कारण दिए है महाराज अलग अलग। पहलो इरो कारण है सीता जी बा तृण री ओट क्यों लगाई के जगी टेम रे मां भगवान राम जी पंचवटी रे मां और सीता जी रे शीस पर महाराज पुष्पारी फूलारी है जगी वेणु सजारिया। बी टेमर मा इंद्र रो पुत्र जयंत जके मन में विचार करियो लोग यूं के ओ ब्रह्म है ओ ई है जगो महाराज स्त्री रे जगो मातो गुंथ है बैठो ओ ब्रह्म है जन तो ठा पड़ दी नहीं देखी जाए
जन जैंत बटे जगो कागले रो रूप धारण कर आयो सीता जी रे शरण रे माथे चौंस रो प्रहार करियो। भगवान राम जी वो सीता जी रे जुई है जगो मारा चांस माथे प्रहार करियो चौंस रो पावरे माथे बी टेमरे मां भगवान राम जी बा वेणु सजावा बी वेणु री है जगी तृण ले एर तीरो है जो अभिमंत्रित कर तीर बना करके एर बीर लारे छोड़ियो जोगो पूरे ब्रह्मांड में फिर लियो जैंत बाकी भी तीर लारो को छोड़ियो। शरण देवनियो कोई मिलियो कौन जन देव ऋषि नारद कियो जखेरो ते अपराध करियो है मटी जा जन भगवान राम जी कना करके त्राही माम त्राही माम त्राही माम करियो। जन भगवान राम जी देख करके यूं है भाई हमो बाण मैं बना दियो तो लागी जरूर इतन सजा मिली। जन कह दी जैंत रे जो वो तीर जो आंख में लागियो तो बी दिन कागले रे जो महाराज आंख एक ही है क्योंकि इन्हें जाकर इन्हें आ बंद हो जाए इन्हें जाकर इन्हें आ बंद हो जाए मारू लारू कनेक्शन महाराज एक ही है। हाँ भाई मांगर ली महाराज हाँ इत करो अपने इं का ही करो दोनों पास काम है तो महाराज सीता जी अटे त्रिन दी ओट बतावे रावण ने के मैं भी भगवान री अर्धांगिनी हूं और तू मान ले। अब दूसरो इरो कारण के एक बार रावण राजा रघुरी टेमरे मां अट अबद आयो। राजा रघु है जो को धर्मात्मा राजा युद्ध री चुनौती ले रायो। जन महाराज भी टेम राजा रघु है जो को सेवा संपत्ति करता सेवा पूजा रमा जन रावण तो है जो जाति हूं ब्राह्मण हो जन महाराज खड़ो रह गयो भी पूजा में आदमी कोई माला सेवा करे तो बिरमा आज भी दखल नहीं देवनी चीज जो ही बात सेवा पूरी हुई राजा रघुरी जन राजा रघु है जो को महाराज कुसारो आसन लगाओ दो कुसा के डाब ने बिरु एक तीनों काडियो और बिन अभिमंत्रित कर और वो फेंक्यो। जन रावण पूछो बोले महाराज सेवा पूजा रे बारे में मन सब नॉलेज है क्योंकि हमारा शंख हुआ जो देवी देवता रा जल डालने के बाद में जल बरसाने के बाद में बस सेवा जगी पूर्ण है ओ तीनालो बड़ ओ आज नुमो सिस्टम जन बड़ राजा रघु देख रही क्यों ओ कोई पूजा रे बारे में हमारा सिस्टम कौन तो क्यों मारी अवधरी भूमि रमा अभी एक गाय भी आई है राजा रो कर्तव्य बने मारो कभी गाय ने और बछड़े ने महाराज सिंह है जो खाने वास्ते आवे ने जे गाय ने मैं नहीं बचाऊं तो बीरू पाप है जो को राजा ने लागे अब मैं बड़े पोस तो सकूं कौन जन मैं मारी भक्ति री प्रभा हूं इतन ने जो को महाराज अभिमंत्रित कर तीर बना करके फेंक्यो है वो सिंह है जो को खत्म हुई है गाय और बछड़ो दोनों है जगह सुरक्षित है। जन रावण की पहली बढ़ देख रावण दो जो रावण बड़े गियो आगे सिंह पछड़ू पड़ियो तीर लाइड गाय और बछड़ो दोनों सुरक्षित है। जन रावण बठो लंका रवाना हो गई आऊं जे लड़ाई करा तो महाराज युद्ध करा तो बाह ना पाए। जन सीता जी बड़ा रावण ने कहे मैं भी कुलरी कुल वधु हूं तो ऐसा महाराज कई प्रसंग महापुरुष जगो उदाहरण तौर में दिया करे। जन महाराज सीता जी कहे के सुन रावण अज्ञानी वाणी काल सीस तेरे छाया एक दिन रोवे तेरी नार मनोदर आ वांदर लूटे धनमाया और के सोने की गड़लंक चली जा तेरा खार समझे जगह सूखा पाया। इति बात रावण ने की है तो रावण आपकी तलवार निकाल करके सीता जी ने माथा झोंके भी टेम्बा मनोदरी है जगी तलवार पकड़े दुष्ट काई करे आ भगवान री अर्धांगिनी है जगतरी जननी माता जानकी है ए तू इर माथे वार करे निश्चित थारो काल आयु जगेर मा कोई फर्क को। जन रावण सीता जी बटे एक महीने री म्याद गल है के एक महीने आल दिन अगर थारो माथो ठीक दी तू मेरी रानी बन दिन बढ़िया बात है नहीं तो ई तलवार हूं थारो शीश उतार दू। रावण उल्टा घर आया के सीता मन में भई ये पीर अरे उलट गया दरियाव दिन से मुड़ा भी डरता ना धीर। सीता जी मन में विचार करो महीनो तो गिनती रा दिन है अरे हारे निकल जी भगवान राम जी अजू आया कौन काई बात है। जन सीता जी अशोक दरखत में कह के अशोक थारो नाम अशोक है तो मारमा वो शोक क्यों है दुख क्यों है तू ऊपर अग्नि डाल दे जो को अठे बल जल करके और वशम हो जाओ। जकी राक्षसी तिरजटाई सीता जी भी तिरजटा कह बोले तिरजटा तू यूं कर कठो अग्नि डाल जो हम इस शरीर ने जो राखू कौन तिरजटा बापड़ी इन बिन फिरी बगी रात्रि समय में बड़ लंका में अग्नि मिली कौन। जन तिरजटा माता जानकी ने कह बोले मैया
तू विश्वास कर भगवान वो परम पिता परमात्मा वो आई तन जरूर ले जाई। और नहीं तो क्यों मन एक रात सपनो आयो है त्रिजटा कह सीता जी ने कह मैं भगवान राम जी तरफ एक बांदरो आउडो देखियो है एपी लंका ने जड़ाई है राक्षस ने दोरा तू क्या जन हनुमान जी ऊपर बैठे बैठा विचार करियो अच्छा अपन आ त्रिजटा संकेत करियो त्रिजटा मुखारबिंद भगवान राम जी कह लंका ने जो हिदी को छोड़नी है बाड़नी है अपन ओ काम बड़ करनो पड़ी। ए बाता हनुमान जी भी अशोक दरकत रे ऊपर बैठे बैठा सुनया और अब माता जानकी गोद रे मां हनुमान जी महाराज बा मूंदड़ी धारी है और सीता जी का तो भी विलाप करया एर का भी मूंदड़ी ने देखी है और सीता जी मन में विचार करे भगवान री मूंदड़ी लंका में कौन लायो है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखियो है अरे देखी मुंदरी का अतिरे मनो पति रामचंद्र भगवान की बोली बालाजी महाराज की देखी मुद्रिका के अति मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर मुंदड़ी माते भगवान राम जी रो नाम बड़ो बारी अंकित है तो के चकित चितव मुद्री पहचाने अरस विषाद हृदय अकुलानी अरस यानी कि एक बार सीता जी ने मुंदड़ी ने देख करके खुशी भी हुई एक बार विषाद यानी कि दुख भी प्रकट हुए जीती को सके अजय रघुराई क्योंकि भगवान कोई जीतनी कौन वो अजय अमर और अविनाशी है और जे कोई राक्ष माया रच है बे रच कौन सके जीती को सके अजय रघुराई अरे के माया ते असी रची नहीं जाई अरे सीता विचार करी मन नाना जद मधुर वचन बोले है हनुमाना सीता जी नाना प्रकार मन में गोट उपड़न लागिया जन महाराज हनुमान जी अशोक दरखतों है जगो डाली पकड़ नीचे धुरिया है
क्योंकि बांदरो महाराज उतरे कौन दूर ही है ही तो। और माता ने आकर के और प्रणाम करियो है, बोले माता चिंता मत करना, आ मुंदड़ी जगी हूं लायो। सीता जी कहे तू कौन है भाई? हनुमान जी आप परिचय दियो। बोले माता बांदर कुल में मारो जन्म है, हनुमान मारो नाम है, अंजनी रो पुत्र हूँ, भगवान राम जी रो मैं पाई को, और थारो पतो लगाने वास्ते मैं अठायो, भगवान राम जी मन भेजियो है। सीता जी क्यों रे बेटे बाप, अबा राक्ष माथो लगाऊं तो लगाऊं ता किया है बिना पूंछ रा, अर थारे ओ आदो एक लंबो पूंछ बड़ लटके है, आज तू कोई और तरीके रो राक्ष आयो, अर जे भगवान राम जी रो तू कोई दूत हुए तो मैं भगवान राम जी रे तन हागे कदी देखियो कौन। तो अठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कई वर्णन करे माता जानकी हनुमान जी महाराज ने कई कहे भी सुंदर बात लिखी है। डबो थोड़ा डबो। अरे तेरा कोमल बोट शरीरा अरे कोनी में पिछाड़ो रे, तेरा दूरी पड़ दी तेरा दूरी पड़ बोट शरीरा कोनी में पिछाड़ो रे, ना देखो तने पूरी अजोध्या, ना देखो तने पूरी अजोध्या, ए बीरा ना कर तू की पीरा कोनी में पिछाड़ो रे, भैया ना कर तू की पीरा ए कोनी में पिछाड़ो रे। संग राम जी ना देखो तने संग राम जी, अरे तू है कोई छड़गीर कोनी में पिछाड़ो रे, तेरा अरे कोमल जी तेरा पूरी पड़ बोत शरीर कोनी में पिछाड़ो। अरे सोजो जने मरी याद समझ की रे, सोजो जने मरी याद समझ की, ओ भैया किस बीत लंगे आयो तीर कोनी में पिछाड़ो रे, ए दीरा किस बीत लंगे आयो तीर कोनी में पिछाड़ो। समुद्र में एक राक्षसी कहिए, अरे लंका में भैया राक्षसी कहिए, ए भाई उनका लंबा है शरीर कोनी में पिछाड़ो रे, तेरा ओ मर्जी तेरा दूरी पड़ बोत शरीर कोनी में पिछाड़ो। अरे सो जो जने मरी याद समझ की रे, सो जो जने मरी याद समझ की, ओ भाई किस बीत लंगे आयो तीर कोनी में पिछाड़ो रे, ए लंका में एक राक्षसी कहिए, ओ लंका में भैया ये राक्षसी कहिए, अरे भाई उनका लंबा है शरीर कोनी में पिछाड़ो रे।
अरे प्रभु की दया से, अरे सागर उतरियो माता राम जी दया से, ये सागर उतरियो। मैं तो क्षण में लंगे आयो तीर कोनी में पिछाड़ो पुत्र श्री राम जी रो पायक, अंजनी रो पुत्र श्री हे राम जी रो पायक। मैया मैं हनुमत बले वीर कोनी में पिछाड़ो रे, मैया मैं हनुमत बले वीर कोनी में पिछाड़ो रे। अरे राम मोयले हे राम जी बीरा दे माता राम मोयले, ओ राम जी बीरा दे। वे तो सपने बंदा वे धीर कोनी में पिछाड़ो रे, ए तुलसीदास धरो हीरे जानकी, तुलसीदास धर हीरे जानकी। ए मैया आवत है रघुवीरा कोनी में पिछाड़ो रे, तेरा कोमल की तेरा तुरी बड़ गोट कबीरा कोनी में पिछाड़ो रे। अरे बालाजी महाराज की सियापति रामचंद्र भगवान की। सीता जी कह थारो इतो छोटो शरीर और छोटे मुंडे तू मोटी बात करे कट तक ओपे बता। और जे भगवान राम जी रो तू दूत हुए तो मैं तन भगवान राम जी रे कदी हागे देखियो को, क्योंकि ना देखियो तन पूरी अयोध्या ना सरजू की तीरा, अरे नहीं देखियो तन संग राम जी तू ए कोई छलगीरा, तू कोई है जगो कपट है। जन हनुमान जी महाराज कह बोले माता ई माथे सही हो, क्यों कह ना तो हो मैं पूरी अयोध्या ना सरजू की तीरा, अरे बन में सागो मारे हुयो राम रो जो भी पंपापुर की तीरा। भगवान राम जी रो मारो मिलन किष्कंधा नगरी ऋषि मुख पोतर नीचे हुयो, तबियो पहला खाना रावण पंचवटी ली आयो एकर तक देखा बताओ। जन सीता जी कह एक बात और है बोले कहीं कह प्रथम तो भी समुद्र की मर्याद है जगी सो योजनरी है, बीर बात कर कोई आ कौन सके। अर जे आवे तो बीर बीच में बस सिंह का राक्षस नहीं रहे जकी मारा उड़ते पंछी ने मारा तन किया छोड़ियो। सो जो दुन मर्याद सिंध की के किस विधि लांगा यो तीरा, अरे समुद्र में एक राक्षसी कही है के उनका लंबा है शरीर। हनुमान जी के वो मारा घगड़ो क्लियर कर अगड़ो चिंता मत करना, आ कोई मारी करामात कौन भगवान राम जी की कृपा मारा लंका मायो। प्रभु की दया से सागर उतरियो और के क्षण में लांगा यो तीरा, अरे अंजनी रो पुत्र श्री राम जी रो पाइक में हनुमत बल वीरा। हे माता मैं भगवान राम जी की असीम कृपाऊं तेरे अट लंका मायो। राम मोइले माता राम जी बिराते बे सबने बंदावे धीरा, अरे के तुलसीदास धरो धीर जानकी तो आवत है रघुवीरा। जानकी रो नाम लियो जन सीता जी ने बड़ विश्वास लियो, क्योंकि जानकी क्यों लंका जी मां कोई कोनी महाराज, बड़ खाली सीता जी रो नाम ही प्रसिद्ध। तो हनुमान जी महाराज माता जानकी ने भगवान राम जी रा कई प्रकार में जो को समाचार सुनाया, क्योंकि अब सवेरे आवा हूं थोड़ी सुख समाट हूं जो अपने जो रामचित मास ने विश्राम देनो पड़ी 3 बजे रो टाइम हो रही है। अब इन्हें हनुमान जी महाराज माता जानकी आज्ञा लेकर के और हनुमान जी बाग में गया और बाग में जाकर के बाघ ने हनुमान जी विध्वंस करियो उजाड़ियो फल खाया और अक्षय कुमार ने खत्म करियो और मेघनाथ हनुमान जी महाराज ने बैठे जगबंदी बनावे। मेघनाथ हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म फांस में बांधे है, क्योंकि हनुमान जी काई ब्रह्म फांस में बांधे आ बाकी बा ब्रह्मा जी री ईर वास्ते बा अग्यरो उल्लंघन करियो बोल। हाँ मर्यादा रखी महाराज कवि कह है अरे वो थी ब्रह्मा की पास वो था हरि का दास पकड़ बलदाई, अरे वो भर मन में अहंकार सब बिसलाई।
जहां बैठे थे दस शीस भुजा की बीस रीस तन छाई। अरे तू है वानर अज्ञान मौत तेरी आई। अरे तेरा तपस्वी कब आएगा, तेरा आज प्राण जाएगा। रे मूर्ख तू पछताएगा, फल करनी का पाएगा। अरे सही, वो थी ब्रह्मा की फांस, अरे वो था हरि का दास के पकड़ बल दाई। अरे वो बर्मन में अहंकार और के सभा भी चलाई। जहां बैठे थे दस शीश भुजा की बीरी बीस और के रीस तन छाई। अरे तू तो है बंदर अज्ञान जो को मौत तेरी आई। हनुमान जी ने रावण के तेरा तपस्वी कब आएगा, अरे तेरा आज प्राण जाएगा। रे मूर्ख तू पछताएगा, तो फल करनी का पाएगा। हनुमान जी के फल करने वालों ऊपाओं का डतों पाए भी बात रो तो किन ठा है। तो हनुमान जी महाराज रावण का ही है जो को महाराज भी धड़क है जो जवाब करे का ही लिखे बात का। अरे फल करनी का पौरे रावण सत रावण बोले वाणी।
बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज रे रावण है जो वो पूछ रहे महाराज रुई और तेल प्लेट करके अग्नि लगाई है और हनुमान जी महाराज फिरिया देकर के पूरी लंका ने जो जला दी है और एक बिभीषण जी महाराज की कुटिया है जगी बचा दिए। लंकारी हनुमान जी महाराज धूड़दानी और राखछानी कर दी और अब माता जानकी कन वापिस बाग में आया और माता ने आर क्यों बोले मैया इसी सी हकीकत में होता आई है तो बट माता जानकी हनुमान जी महाराज ने वरदान दियो अष्ट दियो और नौ निधि रो और हनुमान जी महाराज माता जानकी कन चुड़ामनी लेकर के और माता जानकी ने शीश नवा हृदय रमा ध्यान माता जानकी रो धरियो है हनुमान जी महाराज भगवान राम जी कन आया। गऊ खोद दियो समुद्र उड़ांगियो सोयोजन पानी प्रवान अरे जामवंत अंगद संग बैठा वो पहुंच गया जा था भगवान। हनुमान जी महाराज भगवान राम जी ने कहे रावण की गढ़ लंका बंका देख आयो सीता मात अरे चरणों में लगावे ध्यान बार रट रही है सुरतात सेना को सजाई करते जम्बी चालो रघुनाथ। ए महाराज माता जानकी बड़ा भारी दुखी है और थे जम्बी जदि लंका में चालो जगी बात करो तो कह सुन के वचन रघुनाथ ने हर्ष किया और सेवन अठारह दल सभी को हुक्म दिया और कभी पीता राम कथ गावे के प्रभु जी का शरणा लिया और अणतु विप्र राम रस बड़ धाप धाप करके पिया। उतरी है सेन निसंग धोजीगढ़ लंक समर पर डेरा डारा अरि बलि हनुमान बलवान काज सियावर का सारा। तो भगवान राम जी आप भी अक्षौणी सेना तैयार करी और सेतबंद रामेश्वरम धरपियो है और नल नील नावरा दो बंदर बाने बुलावे बारे आज तो पत्थर है माते राम जी रो नाम लिखावे अरे भी पत्थर पानी में छोड़े तो पानी में पत्थर जगह त्रिजावे है पानी में माते प्याज बंधे और बड़े भगवान राम जी शंकर भगवान री पूजा करवाई है और सागर रे ई किनारे आया है। बट आकर के भगवान राम जी डेरू लगायो है और महाराज विभीषण जी महाराज रावण ने समझावे और रावण विभीषण जी महाराज चरण रो प्रहार करे विभीषण जी महाराज भगवान भाई बी दिन लंका ने तज करके और भगवान राम जी शरण में आ जावे। और अब भगवान राम जी एक बार रावण ने मौको और दियो अंगद ने शांति दूत बना करके भेजा है। अंगद जी महाराज गया है तो बड़ रावण अंगद जी रो प्रस्ताव है जो ठुकरा दियो। अब लंका में युद्ध यो नौ दिन तक युद्ध चलियो पहले ही दिन युद्ध रेमा लक्ष्मण जी रे मेघनाथ री शक्ति लागी हनुमान जी महाराज रात रात रे मां द्रोणागिरी प्रोत जा करके और संजीवनी पहाड़ ले आया और लक्ष्मण जी रा प्राण बचाया। तो अब दूसरे दिन युद्ध रेमा लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ ने खत्म करियो भगवान राम जी कुंभकर्ण ने खत्म करियो और बरोबर रावण की सेना भगवान राम जी सेना है जकी लड़ती रही और नौवे दिन भगवान राम जी 31 बाण रे द्वारा और रावण रो है जको वध कियो 20 भुजा में और 10 मस्तक में 30 31 बाण है जो अग्नि बाण नाभि में छोड़ियो है और रावण की जगह बैठे मृत्यु हुई है। अब महाराज जीता भी भगवान राम जी आसर मरिया सबरी भगवान राम जी ये जगी सदगति प्रदान करी और लंका विजयी कर माता जानकी ने लेकर के और भगवान राम जी पुष्प विमान में बैठा है 14 वर्ष 15 बीता करके भगवान राम जी ये जगह अवध आया है। तो अठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम जी रो राज्य अभिषेक करवायो है तो इन्हें वशिष्ठ जी महाराज राज तिलक करियो भगवान राम जी रे और भगवान राम जी 11,000 वर्ष अवधरो राज करियो। फिर सीता जी पृथ्वी पुत्रिया और महाराज पृथ्वी में समाया और भगवान राम जी अपने अंशों सहित फिर महाराज सांकेत धाम है जगह सिधाया और अठे गोस्वामी जी भगवान राम जी रो है जगह बधाओ करे है और कई लिखे है अरे मारे ए घर आया सीता और राम अयोध्या नगरी बागा फूल रे बगीचा फूल्यो ए फूल्यो
अरे पछे के कई मायरे पति रामचंद्र भगवान की बोले बाला जी महाराज की बोले भोया जी महाराज की बोले ब्रह्माणी मात की जय हो जय हो।